निकी ग्रोवर के डैड की या 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 मैंने अभी न्यूज़ सुनी, बहुत बुरा लगा. आई थिंक सो शी वाज वेरी अटैच्ड टू हर डैड, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ. बट मैं यहाँ पे, मेरी फ़्लाइट है अभी, मैं उन्हें मिल नहीं पाऊँगी. वापस आते ही होपफुली आई विल मीट हर सून. थैंक यू. सो ये जो सैलून है ईशाज एलोर, बहुत अच्छा है, बहुत फैंसी है. मुझे इस टाइप के सैलून्स बहुत पसंद है. मतलब नीचे भी है, आप लोगों को तो पता ही होगा मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ मेरे नेल्स को लेके. सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर मी. मुझे इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, और मेन मार्केट लोखंडवाला में है तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो इट्स वेरी नाइस. और ऐसे लोगों को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे हाँ टैलेंटेड लोग आते हैं हमारे लिए, हमको सर्विसेज देते हैं, हमको बुलाते हैं. थैंक यू सो मच. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पे मैं रोज़ आऊँ. मैं बहुत दूर रहती हूँ, आई डोंट स्टे हियर नियर बाय, बट मैं यहाँ पे शिफ्ट होने वाली हूँ, तो मैं ज़रूर यहीं आऊँगी. या इट्स अ लवली प्लेस, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, और बहुत क्लासी टाइप से किया हुआ है. इंटीरियर बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अछे हैं. बस मैं वेट कर रही हूँ कब मेरे नेल्स छूटते हैं और मैं यहाँ पे आती हूँ नेल्स बनाने. First of all, thank you, Nikki, for coming here. Thank you. And this Isha's Allure is basically, मैंने बहुत different सोचा था, मतलब 2-3 साल पहले सोचा था ये करने के लिए. I am also an actor, as Nikki doesn't know, I think so. So I do web series and all of that. So मैंने 2-3 साल पहले सोचा था ये करने के लिए कि मैं मतलब सैलून खोलना चाहती हूँ, बट कुछ different करने के लिए. So I got it like कुछ लोगों को पता होगा क्रिस्टल्स के बारे में, नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट देर इज़ समथिंग लाइक दीज इफ यू कैन सी. तो ये इससे हम बेसिकली फेशियल्स एंड ऑल ऑफ दैट करने वाले हैं, सो दैट पीपल कैन हील देम सेल्फ. तो ऐसा कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, समथिंग न्यू. या कभी सुना नहीं था मैंने ऐसे क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं एंड ऑल, बट इट्स अ लवली कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट. तो काफ़ी लोग आपको कॉपी भी करेंगे, बट इट्स फैब, इट्स फैब. या जैसा कि आप देख रहे हो कितने फैंसी है, वैसे ही मैं कुछ नया ट्राई करूंगी. पियर्सिंग एंड ऑल दिस. और क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होगी कस्टमर्स के लिए? कस्टमर्स के लिए हमने बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमारे केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं. सो हमने यहाँ पे बहुत सेफ्टी रखी है, जो भी कस्टमर आएगा सबसे पहले सैनिटाइज होगा, वो सब चीज़ें होंगी. एंड यस, थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है दूसरे सैलून से. या टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंटीरियर आपने किया है ना, बहुत बढ़िया किया. मैंने ऐसा इंटीरियर देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं. मुझे वाइब्स बहुत अच्छी लगी इस प्लेस की. मतलब नीचे भी मैं जाके आई, ऊपर भी आई हूँ, तो जैसे आपने एंट्रेंस से लेके यहाँ पूरा इंटीरियर बनाया, जैसे लाइट्स बनाए हैं, इट्स टू गुड. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. सो बेसिकली लोग डिस्प्लेस जो होते हैं ना, लाइक दे पुट लॉरियल एंड उनके प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे. सो मैंने सिर्फ वो नहीं डाला. इफ यू कैन सी द डिटेल्स, देयर आर फ्रेम्स, देयर आर कैंडल्स, लाइक सम काइंड ऑफ यू नो एस्थेटिक्स डाले. इट्स टू गुड, इट्स टू गुड. या ज्यादा वो आए, बहुत फैंसी है, मेरे टाइप का है. आई मीन यू नो आई लाइक फैंसी प्लेसेस, सो दिस इज वन ऑफ द सैलून. अच्छा, आपने यही क्यों चुना लाइक बाय सैलून? पता नहीं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग जिससे मैं लोगों को सर्विस कर सकूँ, बेसिकली कुछ दे सकूँ लोगों को. सो क्रिस्टल वॉज द थिंग कि मैं कैसे करूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ओपन अ क्रिस्टल शॉप. ठीक है, सो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड, लाइक क्रिस्टल से इंट्रोड्यूस हुई थी मैं. एंड देयर इज अ लॉट लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ओनली, जो कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी इसके बारे में, और लोग समझ भी नहीं पाएंगे. सो ये क्रिस्टल्स के बारे में था, और मेरे दिमाग में था कि मैं कैसे करूँ. सो सैलून वॉज द बेस्ट ऑप्शन कि लोग इसको समझेंगे एंड अपने आप को खुद से हील करेंगे, बेसिकली दे वॉन्ट टू हील दम सेल्व्स. बिकॉज क्या होता है ना, हम बाहर बाहर से बहुत ज़्यादा कि फेशियल्स करा लिया, ये करा लिया, हम बाहर से बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट अंदर से हम हील नहीं करते हैं. तो अब ऐसा है कि अंदर से भी हील होगा और बाहर से भी आप सुंदर लगोगे. मेल फीमेल दोनों का है यहाँ पे यूनिसेक्स ऑब्वियसली. सो दोनों के लिए अलग है. फर्स्ट मैं आपको यही बताऊँगी कि जो हमने मेंस के लिए रखा है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब सैलून्स में आपको नहीं मिलेंगे, जो यहाँ मिलेंगे आपको.
या मैंने अभी न्यूज़ सुनी, बहुत बुरा लगा. आई थिंक सो शी वॉज वेरी अटैच टू हर डैड, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ. बट मैं यहाँ पे, मेरी फ़्लाइट है अभी, मैं उन्हें मिल नहीं पाऊँगी. वापस आते ही होपफुली आई विल मीट हर सून.